स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे हरी मिर्ची की मसालेदार चटपटी नई रेसिपी, जिसे आप फ्राइड मसालेदार हरी मिर्च की रेसिपी भी कह सकते हैं या फ्राइड ग्रीन चिली रेसिपी भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम लगभग हरी मिर्च ले लिए हैं। ये छोटे साइज़ वाली हरी मिर्च ली है मैंने। आपको इसी तरह की हरी मिर्च लेनी होगी इस रेसिपी के लिए। तो इस रेसिपी में हमें हरी मिर्च को इस तरीके से बीच में कट कर लेना है। तो इस तरीके से बीच में से कट लगा के सारी ही मिर्चियों को कट कर लूँगी मैं। तो इस तरीके से देखिए सारी मिर्चियाँ कट करके ले ली हैं मैंने। हाँ, हमें एक मिक्सर का जार लेना है और जार में कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच लगभग खड़ा धनिया ले लिया है। इसके साथ ही लेंगे हम एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई, और अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे हम। तो इसमें इसी में हम नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार, और इसके साथ डालेंगे इसमें आधी चम्मच लगभग हल्दी और आधा चम्मच लगभग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, सिर्फ कलर के लिए ऐड करेंगे इसे हम। तो अब इन सभी को हमें मिक्सर में चला लेना है और एक दरदरा सा पाउडर सा बना लेना है। तो यहाँ पे हमें दरदरा सा ही बनाना है, खड़े धनियों को दरदरा सा रखेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ कर आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने मिक्सर में इसे पीस कर इसका दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और अब हम रखेंगे गैस पे कढ़ाई। तो यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने गैस पे, और जो हमने मसाला बना के रखा है उसे इस प्लेट में ऐड कर लिया है। और इसमें जो मैंने ऐड नहीं किया है वो मिला लूँगी अब मैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच लगभग भर कर आमचूर पाउडर ऐड किया है इस मसाले में, और इसको इस चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। आप चाहें तो जब आप मसाला हम मिक्सर में पीसेंगे तभी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने आखिरी में इसे ऐड किया है, मैं डालना भूल गई थी इसलिए अभी ऐड कर रही हूँ मैं। तो आप मसाले के साथ ही इसको आमचूर पाउडर को भी ऐड करके मिक्सर में चला सकते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल लिया है कढ़ाई में। 2 चम्मच लगभग सरसों का तेल ऐड करेंगे हम, और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच लगभग राई, और इन्हें अच्छी तरह से चटकने देंगे। जैसे ही चटकना चालू हो जाएंगे इसमें डाल देंगे हम 2 पिंच इतनी हींग। तो यहाँ चम्मच से मैंने हींग ऐड कर ली है, और ये जैसे ही तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी हमारे जो ऑयल में, तो हम डाल देंगे जो हमने कट करके रखी है हरी मिर्च, उन हरी मिर्च को इसमें डाल लेंगे, इस तरीके से ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद मिर्ची को अच्छी तरह चला लेना है हमें 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने इस तरीके से चलाकर इसे ढक लेना है, क्योंकि अब जो हरी मिर्च होती है वो फ्राई होते होते इसकी बीजें जो होती हैं वो उछलती हैं ऊपर, और इसे जलने का डर होता है। तो इस तरीके से हमें 1 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तो देखिए 1 मिनट के बाद हम इसे खोल रहे हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं अंदर से, इस पर हल्के हल्के बबल्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से फ्राई होने के बाद इसे चला लेना है एक बार हमें इस तरीके से। और इसमें जो हमने मसाला बना के रखा है मिक्सर में से तैयार करके रखा है, उस मसाले को अब इसमें ऐड कर देंगे। और अब इस मसाले को मिक्स करते हुए इसे चलाएंगे मिर्च में इस तरीके से। और ये देखिए 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हमारी मिर्च भी अच्छी तरह नरम हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, और मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। इस तरह मिक्स करने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़कर आता है इन मसालों का। और आखिरी में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से नींबू का रस। तो यहाँ पर आधा ही नींबू का रस ही ऐड किया है मैंने, आधा ही नींबू यूज़ किया है। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। तो अब देखिए हमारी मसालेदार फ्राइड हरी मिर्च की रेसिपी बन चुकी है फ्रेंड्स। तो इसे अच्छी तरह ठंडा होने देंगे, और जो नींबू ऐड किया है वो मैंने गैस को बंद करने के बाद ऐड किया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप गैस को बंद करके ही नींबू का रस ऐड करें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और थोड़ी देर ठंडा होने दें। तो अभी इसे हमें ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर मैं इसे 10 मिनट के लगभग ठंडा होने दूँगी। अभी ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम एक कांच के बाउल में निकाल रहे हैं। तो आप इसकी जगह पे कांच का जार भी ले सकते हैं इस तरीके का।
तो यहाँ पर मेरे कांच के जार में आंवले का अचार पहले ही रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बाउल का यूज़ किया है कांच वाले। तो इस तरीके के कांच के जार ये बाउल में निकालने से हमारी मिर्च ख़राब नहीं होती है, मिर्च की रेसिपी। और आप इस तरीके से निकाल कर इसको 10 से 15 दिन आराम से रख सकते हैं, और इसे जब आपका मन करे तो निकाल कर रोटी पूड़ी या पराठों के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही चटपटी और मसालेदार रेसिपी बनी है आज की। तो देखिए इस तरीके से, जब कभी आपको सब्जी पसंद ना हो तो इस तरीके की मिर्च लेकर आप खा सकते हैं आराम से, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आज की ग्रीन चिली फ्राइड मसालेदार रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।